आज हम जाने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के एक और बहुत ही खूबसूरत देश चेक रिपब्लिक की सैर पर। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नेम है चेकिया, और अगर इसकी कैपिटल देखी जाए तो यहाँ की राजधानी है प्राग। साथ ही यह इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। चेक रिपब्लिक एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसका अर्थ ये हुआ कि इसके बॉर्डर्स चारों दिशाओं से किसी न किसी देश से जुड़ते हैं। इसके पड़ोसी देशों में सबसे करीबी हैं जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया। क्षेत्रफल के लिहाज से चेकिया 78,866 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है, और इस इतने क्षेत्रफल में 1,07,00,000 के करीब आबादी अपना जीवन व्यतीत कर रही है, और जिसमें से तकरीबन 10,00,000 लोग तो विदेशों से आए हुए हैं, जिन्हें अब यहाँ की सरकार ने अपने देश की नागरिकता खुशी से दे दी है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल काफी मॉडर्न होने के साथ हाई लेवल का माना जाता है, और इसी वजह से चेकिया देश का HTI स्कोर 0.891 है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। मध्य यूरोप की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर एल्बी रिवर है, जिसकी शुरुआत चेक रिपब्लिक से होती है। इसकी इम्पोर्टेंसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह नदी चार देशों से होकर बहती है, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और पोलैंड, और इन सभी देशों के विकास में इस नदी की अहम भूमिका रही है। दोस्तों, आंखों में लगने वाला सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार इसी देश में हुआ था। डबल टेल लॉयन यहाँ का नेशनल एनिमल है। गुलाब को राष्ट्रीय फूल यहाँ माना गया है। फीमेल ईगल नेशनल बर्ड है, और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा चेक है। अगर किसी को इस भाषा में नमस्कार करना हो तो अहोज कहा जाता है। साल 2019 में यहाँ पर 22 मिलियन यानी 2,20,00,000 लोग सिर्फ घूमने आए थे। क्षेत्रफल में यह देश छोटा है, पर फिर भी यहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। चेक रिपब्लिक की कुल आबादी का लगभग 81% हिस्सा इस बात पर यकीन रखता है कि गॉड, भगवान, ईश्वर नाम की कोई चीज होती ही नहीं। इसीलिए इस देश को नास्तिकों की कंट्री भी बुलाते हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि धर्म के नाम पर यहाँ कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। दोस्तों, सेंट्रल यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी इसी देश की राजधानी प्राग में मौजूद है, जिसे 1348 में बना दिया गया था। इसके अलावा राजधानी को सिटी ऑफ 100 स्पाइर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि चर्च के ऊपर एक मीनार बनी होती है, और एक समय पर यहाँ 100 मीनारे नजर आती थीं, और अब ये 100 मीनारे 500 में बदल चुकी हैं। शहर के हर कोने में मीनार दूर से ही देखने को मिल जाती है। दोस्तों, प्राग को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि अगर मॉडर्न यूरोप देखना है तो चेक रिपब्लिक की कैपिटल से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जहाँ पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, तो इस देश में पैसे के रूप में चेक कोरोना चलता है, और एक कोरोना की वैल्यू भारतीय रुपए में 3.40 रुपए के बराबर है। चेकिया के बारे में आज हम बहुत ही अमेजिंग बातें जानेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। साल 2007 में चेकिया ने अपने पड़ोसी देशों से लगे बॉर्डर्स को हटा दिया था, जिसके चलते इसके पड़ोसी देशों के लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के ही आ जा सकते हैं। यह छोटा सा देश अपने कैसल्स यानी महलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, और यहाँ पर 2000 से ज्यादा महल मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा कैसल राजधानी प्राग में बना है। और ये इतना ज्यादा बड़ा महल है कि इसे गिनीज बुक में साइज के लिहाज से रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही चेक रिपब्लिक को दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री में शुमार किया जाता है। पहाड़ियों और प्राकृतिक नज़ारे इस देश की सुंदरता में और 4 चांद लगा देते हैं, और इसी सुंदरता से दुनिया भर के टूरिस्ट इस कंट्री को विजिट करते हैं। साल 1927 में पहली बार इस देश में प्लास्टिक सर्जरी करी गई थी। इसके अलावा यहाँ साक्षरता दर 99% से भी अधिक है, और इसका सारा श्रेय चेक रिपब्लिक की गवर्नमेंट को दिया जाता है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा अगर यहाँ की महिलाओं की बात करी जाए तो यहाँ की लगभग 14,000 महिलाएं पॉर्न इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, जिसका मेन रीजन है एक्स्ट्रा इनकम। इसके अलावा यहाँ की महिलाओं को वॉलीबॉल के साथ रनिंग करना काफी पसंद होता है। तो दोस्तों, अगर आपको चेक रिपब्लिक का हमारा ये प्यारा सा वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लें,
ताकि नई वीडियो की अपलोड की सारी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।